कहानी है 2003 के बैच की। दिसंबर का महीना था, साल खत्म होने वाला था। मेरा नाम है भरत खंडेलवाल, बीए इंग्लिश ऑनर सेकंड ईयर का स्टूडेंट। मैं उन कुछ खुददार स्टूडेंट्स में से था जो क्लास ना होने पर भी क्लास में सिर्फ बैठने आया करते थे। 12th तक मेरा सब्जेक्ट साइंस तय था, डॉक्टरी करनी है, आगे साइंस में ही जाना है। लेकिन किस्मत ने ऐसी गुगली डाली कि मेरे सारे गिल्ले ही उड़ गए। डॉक्टरी में हुआ नहीं तो पापा ने आईएएस की तैयारी में लगवा दिया, क्योंकि पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि विदेश भेज सके पढ़ने के लिए। अब जो भी करना था यही करना था, चाहे किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। लेकिन दिल और दिमाग तो अभी भी साइंस में अटका हुआ था, इसलिए लिटरेचर पढ़ते हुए भी मुझे मैरी शैले और एल्डस हक्सले के वर्क्स ज़्यादा पसंद आते थे जो साइंस से रिलेटेड लिखा करते थे। मुझे उन्हीं दिनों सेकेंड ईयर में लगने लगा था जैसे हर टीनेजर को लगने लगता है कि मैं विद्वान हो गया हूँ, जो मानता हूँ, समझता हूँ, देखता हूँ वही सही है। किताबों में ये फिलॉसफी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में हमारी ये जो 5 सेंसेस फील करती है, देखती है, वही सच है। उस वक्त बैच में सबसे बुजुर्ग टीचर थे राजेश जी भल्ला, 84 साल उनकी एज थी, जो रिटायर होने के बाद भी गैस टीचर्स की फैकल्टी में पढ़ा रहे थे। यूनिवर्सिटी ने मॉडर्न लिटरेचर इस बुजुर्ग टीचर के हाथ में थमा रखा था। भल्ला जी की तरफ मेरा झुकाव तब हुआ जब मुझे पता चला कि उनकी भी मेरी तरह सेम सिचुएशन थी, मतलब वो भी साइंस से थे, डॉक्टरी करने वाले थे और मजबूरी में उन्हें लिटरेचर लेनी पड़ी। लेकिन आज पूरा डिपार्टमेंट जानता है कि भल्ला जी से अच्छी लिटरेचर इस पूरे यूनिवर्सिटी में कोई नहीं पढ़ा सकता। लेकिन उस दोपहर वो हमें मॉडर्न लिटरेचर पढ़ाने की बजाय जॉन डन पढ़ाने लगे, जो कि 15th सेंचुरी के लिटरेचर का पार्ट था। पोएम थी डेथ बी नॉट प्राउड। पोएम पढ़ाते हुए भल्ला जी इतना अंदर तक खो गए कि आसपास की चीज़ों का कोई ख्याल ही नहीं। आखिर जो उन्होंने पोएम ख़त्म की तो एक धीमी सी आवाज़ उन्होंने सुनी जो उनके कान में पड़ी, नॉनसेंस। अनफॉर्चुनेटली वो आवाज़ मेरी थी। क्या कहा तुमने? भल्ला जी ने बड़े प्यार से पूछा। जी सर कुछ नहीं, मैंने शर्मिंदा होते हुए जवाब दिया। तुमने जो कहा वो मेरे कानों में एकदम साफ साफ पड़ा भरत। बूढ़ा ज़रूर हो गया हूँ लेकिन कान एकदम साफ रखता हूँ, खिलखिलाते हुए उन्होंने तंज कसा। सर मेरा वो मतलब नहीं था जो आप समझ रहे हैं, मैं तो आपसे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ। और हाँ सर, भरत से बड़ा फ़ैन तो आपका इस कॉलेज में तो क्या, इस पूरे देश में नहीं होगा, मेरे दोस्त प्रदीप ने कहा जो मेरे पास बैठा था। इस पर वो बोले, अगर ऐसा होता तो मेरे पढ़ाए हुए को ये नॉनसेंस ना कहता। सर ने मुस्कुराते हुए अपना सामान बांधते हुए कहा। नहीं ना सर, मैं आपकी टीचिंग पर नहीं सवाल उठा रहा, बल्कि मैं जो आप पढ़ा रहे थे उसे नॉनसेंस कह रहा था। ये तो आप भी समझ रहे हैं सर, और खामा खा मैं तुम्हारी टांग खींच रहा हूँ, भल्ला जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे भाई, इतनी खूबसूरती से डन ने इस पोएम को लिखा है, सदियों से लोग इसे पढ़ते आ रहे हैं, तारीफ करते हैं और ग्रेट पोएम्स की लिस्ट में ये शुमार है वो है। एक झटके में तुमने इसे नॉनसेंस बोल दिया, भाई ये तो नाइंसाफ़ी है भरत, कहकर वो अपनी चेयर से उठे और बैग तैयार कर लिया दूसरी क्लास में जाने के लिए। लेकिन सर आप भी साइंस फील्ड से हैं और मेरे मन की बात अच्छे से समझते हैं, ये पुनर्जन्म, भूत प्रेत, अंधविश्वासों पर भरोसा करना हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए कितना मुश्किल होता है। इस पर वो बोले, भाई भरत जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, मान लो कि सब कुछ धोखा है या फिर मान लो सब कुछ सच है। सर ने जवाब दिया। मैं कुछ समझा नहीं सर। देखो मैं बस तुम्हें एक ही चीज़ कहूँगा कि तुम्हारे दुनिया में आने से पहले भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद थी जिन पर लोग मानते थे, और तुम्हारे जाने के बाद भी ऐसी चीज़ें मौजूद रहेगी जिन पर लोग मानते हैं। हो सकता है जिन चीज़ों को तुम आज नहीं मानते कल उन पर भरोसा करने लगो। इंसान इस दुनिया में एक क्षण के कण बराबर है। अरे भाई हमें हमारे अस्तित्व का तो पता नहीं और हम बातें करते हैं कि हमें सब पता है, कहकर वो क्लास से जाने लगे। मैं भी बैग उठाकर उनके पीछे पीछे भागा। देखिए सर मैं अब तक नहीं समझा आप क्या कहना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं। अरे भाई वो सब जानने के लिए तुम आज शाम मेरे घर पर आ जाओ, वहीं सब समझ में आ जाएगा, फिलहाल मुझे क्लास के लिए देरी हो रही है, कहकर वो जल्दी जल्दी क्लास लेने चले गए। भल्ला जी का घर यूनिवर्सिटी से ज़्यादा दूर नहीं था लेकिन मेरे घर से काफ़ी दूर था, तो शाम 7 बजे की मैंने बस पकड़ी ताकि मैं टाइम पर पहुंच जाऊं। अब सर्दियों की वो शाम थी, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। सुभाष नगर कॉलोनी के सारे घर लगभग ओल्ड फैशन टाइप के थे जहाँ भल्ला जी रहते थे, और उन्हीं में से 412 नंबर का भल्ला जी का घर था। गली का माहौल एकदम शांत था, कोहरा छाया हुआ था। भल्ला जी के घर को खोजते खोजते मेरा सड़क पर ध्यान ही नहीं रहा, मैं उनके घर के करीब पहुंच गया, अचानक एक बहुत बूढ़ी औरत से मैं टकराया। मुझसे टकराकर वो औरत गिर गई। मैंने तुरंत जल्दबाजी में उन्हें उठाया, जिन्होंने एक कंबल जितनी मोटी पुरानी शॉल पहनी हुई थी। मैंने तुरंत उनसे माफ़ी मांगी तो जवाब में उन्होंने एक अजीब सी बात मुझे बोली,
वो लेडी मुझसे एक अजीब सी बात बोलकर कही कि अरे मुझसे क्यों टकराता है, अभी तो तेरा वक्त भी नहीं आया। इतना बोलकर वो चली गई, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों बोलकर गई। लेकिन जब मैं अंदर गया भल्ला जी के घर में, तो भल्ला जी गुजर चुके थे, भल्ला जी की डेथ हो गई थी।